हेलो नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज का इस टॉपिक पे हम बताएंगे कि कैस्टर सीड्स यानी अरंडी का बीज, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या गुण हैं और ये क्या क्या फ़ायदे करते हैं। शुरुआत करने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों अरंडी का तेल या अरंडी के बीज या अरंजी का पेड़ के फायदे के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों ये अरंडी वाला पौधा आपको देखने में एक कांटीला जैसा दिखेगा, ऊपर से गोल गोल रहते हैं, उसके ऊपर कांटे जैसे रहते हैं, लेकिन ये सूखने के बाद इसके अंदर एक बीज निकलता है। वो छोटी सी बीज, उसको बीज थोड़ा जहरीला होता है, लेकिन उसको अच्छे से निकाल के उसके अंदर का जो बीज निकाल के उसके अंदर उसके तेल निकाले जाते हैं और ये तेल बहुत ही फ़ायदा करता है। दोस्तों जिन लोगों को गठिया का प्रॉब्लम है तो गठिया के इलाज के लिए भी इसका तेल का उपयोग करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात की जाए दोस्तों नई माताओं जिन्हें जो गर्भवती होती है, जिन्हें अपने बच्चे को दूध पिलाना है, तो ये कैस्टर सीड्स यानी अरंडी का तेल बहुत ही फ़ायदा करता है उन्हें दूध के उत्पादन में। उन माताओं को दूध के उत्पादन के लिए, बच्चे को मतलब अच्छी तरीके से पालन पोषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गर्भधारण को नियंत्रित करने के लिए भी इसे इसकी मदद ले सकते हैं। दोस्तों अपनी जो त्वचा के रोगों के लिए, जैसे कि इसका जो बीज देख रहे हैं आप, ये जो सूख गया है, इसके अंदर का जो बीज निकाल के जो तेल होता है वो त्वचा के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। जो आपके स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन पर जो दाग धब्बे आते हैं और स्किन में जो एलर्जी जैसे ये निकलती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी फायदे गुण माना जाता है। दोस्तों जिन लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, मासिक धर्म में जानते हो लड़कियों को बहुत पेन होता है, जिस समय उनका मासिक धर्म आता है उस समय बहुत पेन होता है, तो ये जो बीज देख रहे हैं इसका तेल का उपयोग करेंगे और तो उस वक्त उनको वो दर्द से राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए दोस्तों इनको ये अरंडी का जो तेल होता है उसके फ़ायदे कई तरीके से किए जाते हैं। जैसे कि आप मान लिया जाए तो कब्ज की समस्या हो, जिन्हें लोगों को कब्ज की समस्या हो, जिन्हें गैस हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, खाना नहीं पचता है, तो उन लोगों के लिए भी इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छा है। इसका उपयोग करके इससे दूर किया जा सकता है। दोस्तों बात किया जाए तो इसमें प्रभावी रोगाणु गुण होते हैं दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, कि इसमें ऐसे गुण होते हैं जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। यही छोटा सा मतलब पेड़ का जो अरंडी का कैस्टर सीड्स का जो तेल निकलता है उसके फ़ायदे हम ले सकते हैं। दोस्तों ये बालों को विकास के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। जैसे आपके बाल होते हैं, बाल टूट रहे हैं या बालों का मतलब गिरना रहता है, तो उसके तेल आप लगाते हो तो बहुत ही फ़ायदा करता है। ये आपके आईब्रो मतलब आईब्रो आपके जो आँख के ऊपर के पलक को, उसमें अगर डेली अगर 2 हफ्ते तक तेल लगाते हो तो इसका आपका जो आईब्रो जल्दी से बढ़ेगा और लंबा होते रहेगा दोस्तों, और काले काले बड़े बड़े भूर जैसे होते रहेंगे। दोस्तों बालों की समस्या का तो बता दिया मैंने। दोस्तों जैसे कि आपके सर के बाल हो, पलकों के बाल हो या अपनी आईब्रो हो, वो सब इससे मोटा कर सकता है। जो बाल जो थिन रहते हैं, पतले रहते हैं, इसकी वजह से आप इसका यूज़ करके आप अपना आईब्रो के बाल भी और आँख के पलकों के बाल के भी मोटा कर सकते हैं। अब बात की जाए तो दोस्तों ये आपकी दांत खुजली, जैसे आपके शरीर में कहीं भी दाग आ गया, कहीं खुजली आ गया, तो इसका उपयोग करके आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जैसे कि आप ज़्यादा करके अत्यधिक तरल पदार्थ खा रहे हैं, मतलब तेल वाला चीज़, उसको भी निकालने के लिए इसकी मदद से आप उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरंडी का बीज कैसे बहुत सारे उपयोग है, कहीं कहीं आपको मतलब आपके दर्द के लिए होता है, आपके बालों के लिए होता है, आपके मतलब सेहत के लिए होता है, आपके गठिया के, ज़्यादा करके देखते हैं बूढ़े लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं और माता लोग भी बहुत सारी उपयोग करते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो दोस्तों इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, तो हिसाब से इसका उपयोग करेंगे तो आपको इसका सही लाभ मिलेगा। तो इसको आपका उपयोग करने कोई मतलब चिकित्सक है आपके या कोई डॉक्टर से, या आप जहाँ आप डेली आप अपना मतलब अपना जो घर के फैमिली डॉक्टर या किसी को भी आप बता के, इसे कोई भी आयुर्वेदिक को बता के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी इसका उपयोग ऐसे नहीं करना है, अपने आप से हिसाब से करना है दोस्तों। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए और एलर्जी की बात की जाए, जैसे तो गर्भ अवस्था के दौरान जब अरंडी का बीज के तेल आप ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं तो वो क्या हो सकता है कि गर्भपात की समस्या भी आ सकती है। जैसे नर्सिंग माताओं के लिए, जबकि तेल का स्तनपान सुधार करने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग करने से भी आपके बच्चे पे नुकसान पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका ज़्यादा उपयोग जैसे करेंगे तो आपको दस्त की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आजकल देखते हैं कि जब भी डिलीवरी का टाइम आता है, 9वां महीना आ जाता है, उस समय मतलब नहीं टाइम आने के बाद भी जब बच्चे की डिलीवरी नहीं होती है तो डॉक्टर सलाह देता है कि अरंडी का तेल पीजिए, ताकि आपकी गर्भ है वो जल्दी से आपके बच्चे मतलब पैदा करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जल्दी से तेज़ी से करता है और वो समय से पहले मतलब जो समय है वो समय पर आपके बच्चे का जन्म होता है। तो जैसे दोस्तों कि इसे डॉक्टर भी इसे सलाह देते हैं, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही
हिसाब से करना है, क्योंकि दोस्तों इसकी तासीर जो होती है बहुत ही गर्म होती है, इसका ज़्यादा उपयोग करने से पेट खराब हो जाता है, आपकी बहुत सारी समस्या भी आ सकती है। तो अरंडी यानी कैस्टर सीड्स, इसका उपयोग बहुत ध्यान से करना है, बहुत समय से करना है, और ऐसे ही नहीं है किसी की सलाह लेके करना है, कोई डॉक्टर की सलाह लेके करना है या कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे सलाह लीजिए, उनसे मतलब पूछिए और इसका यूज़ कीजिए। तो ज़्यादा करके इस वीडियो में मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि इसका ज़्यादा करके आप जैसे बूढ़े हो गए हैं या पैर में गठिया का रोग है या हाथ पैर में दर्द है या सूजन है, तो उस समय आप इसका अरंडी का तेल से मसाज कीजिए या अरंडी तेल का यूज़ कीजिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो इसका उपयोग करने का जो तरीका है वो आपको जानना होगा, आपको बेहतर तरीके से समझना होगा, तभी जाके इसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से टॉपिक पे फिर लाता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरीके से दूसरे वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, तब तक के दोस्तों धन्यवाद।